श्रीराम राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम, राम सच्चिदानन्द भगवान् की सनातन धर्म की गायत्री परिवार के ओर से जो अभिनंदन दिया गया है तथा राष्ट्र के हित के लिए जो सुझाव दिया गया है उसको हम हृदय से स्वागत करते हैं हर राष्ट्रभक्त और सच्चे हृदय की पीड़ा है कि इस देश का बहुत उत्थान होना चाहिए इस देश के नागरिक विश्व के आदर्श नागरिक होना चाहिए भारत विश्व का मॉडल होना चाहिए इसका देख करके लोग अनुकरण करें यहां का व्यक्ति देवताओं के लिए भी अनुकरणीय होना चाहिए पर दुर्भाग्य से राजनीति और प्रचार माध्यम अखबार चैनल गंदे लेखक पुस्तिकाएं पत्रिकाएं जन जन तक जो पहुंचती हैं मनुष्य वैसे ही भागता है संसार की ओर ये ऋषियों को पता था गोस्वामी जी कहते हैं इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई सहज ही इंद्रियों को भोग प्रिय है तो योग में लगाने का पुरुषार्थ तो बनता है पर भोग में लगाने का प्रयत्न मेरी दृष्टि से अच्छा नहीं है यद्यपि भोग के लिए भी ग्रंथ लिखे गए हैं कि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे संयमी नहीं होंगे तो भोग भी ज्यादा दिन नहीं कर सकेंगे इसलिए भोगों के लिए भी हमें योग की आवश्यकता है पर भारतीय सोच भोग के लिए योग ना हो बल्कि भोग भी योग के लिए होना चाहिए भोग से मिली सामर्थ्य योग से मिली सामर्थ्य भोग में खर्चने के लिए नहीं है बल्कि हमारी योग से मिली जो सामर्थ्य है कर्म तो करे पर कामना का त्याग करके भोग की इच्छा से मुक्त होकर कर्म की सामर्थ्य का प्रयोग करें यही गीता का मुख्य संदेश है और आज अभी अभिनंदन में एक शब्द आया था वृद्ध विद्वान के द्वारा मेरे ही प्रवचन की लाइन थी मेरे गुरुदेव बोलते थे उसको जरूर मैं क्लियर करना चाहता हूँ करता रहता हूँ फिर भी मेरे से भी चूक होती है समझने में भी चूक होती है जो भाव है वो नहीं पहुंच पाता यह शब्दों की कमी से भाव नहीं पहुंचा पाता ध्यान रखें लगाकर सब कर्मन में आग कहीं कर्मन की जगह चाहिए कर्म से मिलने वाले भोग में लगा दे आग कर्मों से जो उपलब्ध होता है वह नश्वर है कर्मजन्य सुख कर्मजन्य देह कर्मजन्य स्वर्ग जो भी मिलता है वो क्षणिक है अल्पम तनमर्त्यम नाल यो वैभूमा तत्खम नाल पर सुखम राज्य कितने दिन सुख कितनी देर मान कितनी देर क्या है इसलिए ये मनुष्य अधीन हो दीन ना हो अधनाहा श्याम हम अधन ना, ना हो हम भिखारी ना हो भिखारी वही नहीं होता जो धन मांगता है यद्यपि आज उनकी भी कमी नहीं है मुझे बहुत पीड़ा होती है जब लोग धर्म स्थानों में भी मांगते हैं साधु मांगता है तब तो मुझे और अच्छा नहीं लगता पर ध्यान रखें मांगना तो लोगों ने राम को भी मांगा दशरथ से पुत्र मांगे पर सीधा समझ में आता था कि विश्वामित्र को कोई चेला नहीं चाहिए था विश्वामित्र को अपने पैर नहीं दबाने थे विश्वामित्र का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था वो राष्ट्र के लिए मांगते हैं, जिस दिन यहां का व्यक्ति अपने लिए मांगना बंद कर देगा और राष्ट्र के लिए मांगेगा उस दिन राष्ट्र सुधर जाएगा आप उस ईमानदारी के सत्य को भी तो देखें क्यों मांगते हो क्या लालसा है हम क्यों कर्म करते हैं भगवान कृष्ण यह श्लोक बोलकर बार बार जोर देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते ने वाधिकारस्ते मां फलेशु कदाचन। लोग अर्थ करते हैं फल पर कोई ठिकाना नहीं मिला ना मिला ये गीता का अर्थ किसी बेवकूफ ने ऐसे अर्थ किए कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेशु फल में तो कभी भी अधिकार ना हो और फिर कहते मां कर्म फल हेतु भू तू तेरे अंदर कर्म के फल का हेतु ही न रहे सागर में नदियां जाती हैं सागर को क्या चाहिए गोस्वामी जी यही तो कहते हैं सरिताओं का जल जल निधि में जाता है उसको कोई इच्छा नहीं है कर्म के फल का हेतु है अज्ञान और कामना कर्म से पाने का इरादा और क्यों इरादा है कर्म से पाने का तू अधूरा है बिना अधूरा हुए कोई चाह जा सकता है मैं फिर कहूंगा मैं उनके चरण छूने को तैयार हूं उनके चरणों में मेरा सर सचमुच झुकता है झुकेगा झुकने को तैयार है जिसके अंदर कोई अधूरापन नहीं है लोग छोटी से और छोटी चीजों के लिए दीन है तुम रुपए मांगने वाले को गरीब समझते हो जिसके अंदर किसी तरह के सुख स्वर्ग तक की भी कामना है वो दरिद्र है वो दीन है सच तो ये है मुक्ति जैसी चीज को जो आदमी ठुकरा सकता है वो ठुकराने का मतलब जिद्दी नहीं है हठी नहीं है अर्थात मुक्ति भी जब व्यर्थ लगने लगती है मुक्ति भी जब अज्ञानी की ख्याल मालूम पड़ने लगती है जब वो अपने नित्य मुक्त स्वरूप को पहचानता है नित्य मुक्तत्व मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम ये मेरे गुरुदेव के वाक्य है मुक्ति की प्रशंसा मंद पुरुषों के लिए जब तक बुद्धि ठीक नहीं है जिसकी प्रज्ञा जागरूक है वो मुक्त ही है उसे चाहिए क्यों तुम बंधे हो तो मुक्ति चाहिए तुम मरते हो तो अमरता चाहिए और ये मैं नहीं कहता प्रार्थना गलत की गई है हम सब संसार में अज्ञानी मंद बुद्धि के हैं इसलिए चाहिए स्वर्ग चाहिए असल में गीता और उपनिषद हमें वहां खड़ा कर देना चाहते हैं जहां मुक्ति की ओर भी हम लालायित न हो एक पंडित जी भक्ति की कथा करते थे स्वामी त्यागानंद जी अच्छी तरह से जानते हैं उनको मैं वेदांत की करता वो बहुत वेदांत विरोधी थे पर वो आम लोगों की कथा सुन के वेदांत विरोधी थे मेरे से तो विरोध की उनकी हिम्मत कभी पड़ी नहीं और मैं दावे से कहता हूं मुझे वेदांत विरोधी मिल नहीं सकता मैं समझाता ही ऐसे नहीं कि वेदांत का कोई विरोध कर सके पर यह क्यों मैं आज बोल रहा हूं मैं उस लाइन को समझाना चाहता हूं लगाकर सब कर्मन में आग भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परावर पर ब्रह्म को प्राप्त पुरुष छीयंते चास्य कर्माणि उसके सभी कर्म क्षीण हो गए कर्म का बल कर्म की जो सामर्थ्य बांधने की थी वो क्षीण हो गई कर्म में बांधने का है भगवान कृष्ण भी कहते मुझे क्यों नहीं बांधता अज्ञानी निर्बल चित्त को कर्म बांधता है जिसके अंदर अज्ञान है उसे कर्म बांधता है ये कर्म के बांधने का जो स्वभाव है नेचर है वो खत्म हो जाता है इसलिए च अस्य कर्माणि उसके कर्म क्षीण हो जाते और कर्म क्यों अधिकतर करते हैं भोगने के लिए कुछ पाने के लिए जिसके अंदर अधूरापन नहीं है वो पाने के लिए करते ही नहीं तो भगवान कृष्ण अपना उदाहरण देते हैं कि नमाम कर्माणि लिमपं नमे कर्म फलेश प्रिया मुझे कोई कर्म फल की स्प्रिया नहीं है मुझे कर्म फल क्या लेना नहीं मैं ताकता नहीं हूं कि अब क्या होने वाला है क्या मिलने वाला है अब मैं कंपटीशन में जा रहा हूं हारूंगा कि जीतूंगा हार जीत लाभ हानि अज्ञानी के चित्त की कल्पना है इसलिए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी श्रुतियों का स्वामी है वर्णाश्रम विमान है ना उसकी मैं पुष्टि करते हुए बोलता हूं वर्णाश्रम की कल पुष्टि की थी उसी वर्णाश्रम धर्म के प्रवर्तक रक्षा करने वाले शंकराचार्य कहते, है। कहते हैं विद्वान संत कहते हैं शास्त्र दासो भवेत वर्ण और आश्रम के अभिमान से यह व्यक्ति श्रुतियों का दास हो जाता है श्रुति दासो भवेत न वर्णाश्रम विहीनों पर वर्णाश्रम से विहीन न वर्ण न आश्रम न व्यक्ति न मनुष्य न देव इस ऊंचाई को जिसने समझ लिया वर्णाश्रम विहीनों पी वर्तते श्रुति मूर्धनी, वो वेद के सिर पर बैठकर बोलता है इसलिए आप अपने गौरव को उपनिषद वेद शास्त्र गीता रामायण के गौरव को ये पाठ तक सीमित रहने वाला नहीं पर जब हम अभी कल गए बच्चों को विद्यालय में मिडिल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बच्चों को देखा बहुत अच्छा लगा हम जानते हैं कि बच्चों की तैयारी है सीखते हैं रामलीला में जब राम बनते हैं लक्ष्मण बनते हैं बोलते हैं अच्छा लगता यही एक प्रक्रिया है आगे बढ़ने की पर यदि छोटे बच्चे कहे के बोलता है तो अब क्या बोले वो अपना अनुभव बोलेगा अभी उसका सम्मान है गीता के पाठ का पूजा का मंदिर का बड़ा सम्मान है पर इनका सौ प्रतिशत सम्मान करते हुए भी मैं उस संस्कृति में जन्मा हूं उसकी निंदा मुझे बर्दाश्त तो नहीं नहीं हम राम के लिए क्यों बोलते पुल के लिए क्यों बोलते हिंदू संस्कृति की बेज्जती हमें अच्छी नहीं लगती पर हम उस उपनिषद को जो इनसे भी ऊंची बात कहता है जहां वर्ण नहीं ना मैं ना मैं सन्यासी हूं ना मैं मनुष्य हूं न देवता हूं फिर हो क्या चिदानंद रूप शिवो हम शिवो ये ये रटना नहीं है बोलना नहीं है ये सच्चाई है और सब कुछ तुम्हारा माया के 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 कारण 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 है है अविद्या अज्ञानता ना समझी जन्मों जन्मों का अध्यास है पर धन्य है उपनिषद और धन्य है उस उपनिषद वेद का उद्धार करने वाले शंकराचार्य जिन्होंने कितनी छोटी उम्र से बत्तीस वर्ष की अवस्था में कितने भाष्य कर दिए कितने नए ग्रंथ लिख दिए इस ब्रह्म विद्या को स्पष्ट करने के लिए कितने शास्त्रार्थ किए मैं सोचता हूं कि मैं तो कुछ भी नहीं सच है उस विद्या का मुझे लाभ है उस विद्या से मैं धन धन्य मानता हूं पर यह सच्चाई है कि मुझे भाषा दृष्टि से संस्कृत दृष्टि से और भी कई दृष्टि से कुछ भी नहीं अब फिर आ जाओ कर्म नहीं छोड़ना गीता के ही अनुसार फल की इच्छा क्यों है तुम अधूरे है, अज्ञानी हो चाहे कोई भी है उसमें मेरे तेरे का सवाल नहीं यदि अंदर अधूरे हो तो तुम अज्ञानी हो तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो और यदि ब्रह्म ज्ञानी हो तो अधूरे हो ही नहीं सकते और फलाद की प्राप्ति चाहे कृष्ण भगवान राम भगवान कोई गौर और और फल की प्राप्ति भी बाहर से देखी गई है किसी को रोते किसी को तड़पते किसी को बीमार होते तो कहा गया है फल प्राप्त कर रहा ऐसे तो तुम रोज भोगते ही हो जब तुम धन के पाने का सुख भोगते हो तो धन की कमी का दुख पड़ोसी भोगेगा जो धन से धनी ही नहीं बनता वो निर्धन कैसे हो सकता है धन के अभाव में जो शरीर पाके जन्मता ही नहीं ध्यान रखो जो शरीर के कारण जन्मा मानता ही नहीं वह इसके अभाव को मृत्यु कैसे मान लेगा इसलिए अध्यात्म जरूर सुनना चाहिए वह एक दो दिन का यद्यपि विषय नहीं है पर समय आए सच्चे मन से सुने तो सात दिन में भी कई का काम बना दो घड़ी में भी कई का काम बना मरते मरते सुन ले क्यों ये भी समझने का विषय है बहुत कुछ करके भी ना बने और कुछ किए बिना भी, भी बन जाए वो एक कीर्तन नहीं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी कभी ना होवे ज्ञान कभी कभी मंदिर में जाके भी, भी ज्ञान ना हो मस्जिद में जाके कभी ज्ञान नहीं होता ये अर्थ नहीं है कभी मंदिर में जाके भी नहीं समझते लोग मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी ना होवे ज्ञान इसका मतलब कभी ज्ञान होता ही नहीं मंदिर मस्जिद में ये अर्थ नहीं है कभी ऐसा भी है कि मंदिर में जाने वालों को भी ज्ञान नहीं होता मस्जिद में जाने वालों को भी ज्ञान नहीं होता और कभी भगवान कहीं नहीं मिलता और कभी पत्थर में भगवान मिल जाता है कभी पत्थर की प्रतिमा में भी भगवान मिल जाता है इसी तरह बहुत सुन के भी भगवान नहीं मिलता बहुत पढ़ के भगवान नहीं मिलता बहुत बुद्धिमान होने पर भी भगवान नहीं मिलता कभी एक गधे को पानी पिलाते में मिल जाता है किस समय वो आख खुल जाए किस समय वो दिव्य दृष्टि आ जाए किस समय जीवन धन्य बन जाए इसी तरह रोज समझाते हुए भी अंतःकरण का अध्यास जीवाध्यास मुझ चेतन साक्षी में लदा हुआ है और ये फिर लदा रहे एक बार समझ आने पर देह है जागना सोना है पर ज्ञानी में मैं जागता हूं मैं सोता हूं मैं भोगता हूं मैं बड़ा होता हूं मैं छोटा होता हूं मैं जन्मता हूं मैं मरता हूं ये सोच खत्म हो जाती है ये जो ख्याल में आता है कि मैं अब देखो मैं करता हूं अब ये मैं करता हूं कौन खत्म करेगा मैंने कल इस श्लोक या गुरुदेव की लाइन बोली लगाकर सब मन में आग मैंने आग लगा दी यदि उस तरह देखो तो मैं क्या कर रहा हूं ये कर्म नहीं कर रहा क्या अर्थ है इसलिए मैं आज ये बोल रहा हूं कि मेरे बोलने का कहीं अनर्थ ना हो जाए लगाकर सब कर मन में आग अरे मन निज स्वरूप में जाग अर्थात तू अपने लिए कर्म मत कर जाग तेरा काम तो जागने से बन जाएगा तू मुक्त हो जाएगा और जब तक शरीर रहे तन रहे मन रहे धन रहे जब तक रहे ये दिन रात काम कर दिन रात काम कर बैठने चरई वही थी चरई वही अथक परिश्रम कर शंकराचार्य से ज्यादा परिश्रम करने वाला कौन होगा मेरे को विदेश से फोन आते हैं कि आप फिर पहले की तरह व्यस्त हो आज रात रात जाऊंगा कल फिर और कहीं जाऊंगा फिर वहां से भागूंगा फिर और कहीं जाऊंगा तो ये श्रम करने को मना थोड़ी किया है यह अर्थ समझना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तुम अपनी मुक्ति के लिए कर्म देखो कर्म करने से शारीरिक मानसिक क्षमताएं विकसित होंगी स्वाध्याय से बुद्धि विकसित होगी सत्य विकसित नहीं होता सत्य तो सिर्फ अनुभव मैं कौन हूं बस गल समझ रही तो रोला क्या गल समझ लई फिर रोला क्या तो राम रहीम तो मौला क्या ये सारे झगड़े एक सीमा तक हैं हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं पर ध्यान रखो झगड़ा क्यों है फिर हमारा इसलिए नहीं है राम और रहीम के नाम से रहीम के नाम से झगड़ा करने वालों से झगड़ा है समझ में नहीं आई होगी हमें राम रहीम से परेशानी नहीं है हमें खुदा अल्लाह गॉड और राम से कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम समझते हैं पर जब अल्लाह वाले उपद्रव करते हैं, यदि कोई अल्लाह वाला उपद्रव करता है तो राम वाले को चुप नहीं होना चाहिए ये मैं घोषणा करता हूं यदि कोई गाड़ वाला उपद्रव करता है किसी देश और मुल्क को गुलाम बनाना चाहता है तो राम वालों को चाहिए कि वो गुलाम बनाए गुलाम बने नहीं ये हमारी घोषणा है हम एक तरफ कहते हैं मनुष्य नहीं हम कहते हैं ना हम मनुष्यों ये शंकराचार्य बोलते हैं मैं मनुष्य नहीं हूं आप सुनेंगे कहीं मनुष्य नहीं बोल रहा अर्थात जो मैं नाम की चीज है वो मनुष्य नहीं है ये मैं नाम की चीज इंद्रियां नहीं है ये मैं नाम की चीज मन बुद्धि अहंकार नहीं है मनोबुद्धि अहंकार चित्ता ये मैं नहीं उपिर हो क्या इनसे विलक्षण इनका साक्षी कल्याण रूप साक्षी या ते सदासी मैं बुद्धि का प्रकाशक या ते सदासी अब धीरे धीरे हर चीज संप्रदाय बन जाती इस्लाम संप्रदाय ईसाइत संप्रदाय हिंदू संप्रदाय शिवोहम संप्रदाय समझे बिना जब भी कोई लाठी लेके घूमने लगता है बस यही मूर्खता और कट्टरता संप्रदाय है यदि दुनिया में ज्ञान होता तो कट्टरता होती ही नहीं कट्टरता इसलिए जीवित है जिनको सुनने समझने पर रोक लगाई गई है इस्लाम को सुनने की छूट नहीं है कि हमारा प्रवचन सुन ले और जिस दिन इस्लामिक लोग मेरा प्रवचन सुन लेंगे उस दिन इस्लाम को भी कोई खतरा नहीं हिंदू को कोई खतरा नहीं मानवता को कोई खतरा नहीं खतरा तो अल्लाह से नहीं है गॉड से नहीं है राम से नहीं है इनके मानने वाले मूर्खों से है इसलिए मैं अधिक देर तक नहीं कहना चाहता ये चूंकि समापन दिन है बैठे बैठे प्रसाद लेके जाएंगे जो सुनाया है ये बहुत है आगे सुनना पढ़ना आ जल्दी मत करना मेरी बात बहुत अच्छी है ऐसे नहीं मैं इससे खुश नहीं होता अब और, और मैं नाराज भी नहीं होता कोई खड़ा होके कह दे ये ऐसा इससे मुझे चिड़ नहीं होती हाँ शंकराचार्य ने लिखा कि एक राजा हाथी पर चढ़ा उसके फौज फाटी थी और सामने वाला चिल्ला के बोला कहने लगे मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ एक पागल था सामने अकेला उसके पास ना फौज न फाटा मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ तो राजा ने अपने हाथी घोड़ों से और सब लोगों से सैनिकों से कहा बचा के निकल जाओ उससे लड़ना नहीं है वो तो चुनौती देता है लड़ना नहीं क्यों नहीं लड़ना वो क्या लड़ेगा पागल है वो तो तो कोई ज्ञानी पागलों से नहीं लड़ता कि तुमने कह दिया अरे ये हैं, अरे ये तो भगवान नहीं मानते शंकराचार्य से ज्यादा भगवान की सिद्धि करने वाला दुनिया में नहीं है कर्म कांड को भगवत सत्ता को सिद्ध करने वाले शंकराचार्य इस डूबती नाव को बचाने वाले शंकर इस पतन की गर्द में जाने वाले हिंदू समाज को बचाने वाले शंकर जैसा कि गजेंद्र त्यागी आसन कराते हैं तो शुरू में नारा लगवाते जन्म जहां पर हमने पाया अब देखो हमारा जन्म है जन्म जहां पर हमने पाया अन्न जहां का हमने खाया और इत, वो है प्यारा देश हमारा इसकी रक्षा पाकिस्तान करेगा इसकी रक्षा अमेरिका करेगा इसकी रक्षा ब्रिटिश करेगा जिसने हमें इतने दिन गुलाम बनाया रक्षा करेगा इसलिए चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो इसकी रक्षा हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे अब आप पांच मिनट को आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करो प्रभु का नाम लो आंख बंद करें आंख बंद करके अपना ध्यान श्वासों पे ले जाए आप जहां जहां ध्यान जाए नेति नेति नित निगम कह इस मंत्र का अनुभव करो जो आंख है ये तुम नहीं ना इति ये छूट जाती है शरीर छूट जाता है मन बदल जाता है अवस्थाएं चली जाती नेति ति निगम कह लोग कहते हैं वेद नहीं कहता है मैंने भी अर्थ किया ने निगम कह वेद तो रोज कह रहा है इस ब्रह्म की कथा ही वेद करता है लोग कहते हैं वेद भी नहीं कह पाता बुद्धू कहीं वेद तो नित कहता है पर कैसे कहता है कहने का तरीका है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये दृश्य नहीं है ये विषय है ये विषय है, है तू साक्षी ऐसे कह के वेद दिन रात कहता है अब आप आंख बंद किए किए पांच मिनट सच्चे हृदय से स्वास्थ्य प्रभु का नाम लें। और मिनट बाद जो सूचनाएं हैं उनको सुनेंगे बैठे बैठे प्रसाद लेंगे प्रसाद के समय कल युग नहीं आना चाहिए सत युग के आदमी बन के धैर्य पूर्वक प्रसाद लें धीरे धीरे श्वास लें नाम का सुमिरन करें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो शांत रहे चुपचाप हम भी मौन तुम भी मोन अंदर हिलो नहीं डुलो नहीं मन नहीं और मन डोले तन डोले हमारे त्यागन जी कहते हैं आ, मेरा तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का गया करार कई गाते होंगे तो कहते हैं भैया हम तेरे टांगे में नहीं बैठेंगे तेरा मन तन सब डोलता है तेरे में कौन बैठे तब देखो तुम्हारा तन भले डोले तुम्हारा मन भले डोले और सब कुछ डोले पर तुम डोलो नहीं तुम अचल हो सनातन हो अनादि हो अनंत हो लौटो, सब को छोड़ते छोड़ते जाओगे तो इस सत्य तुम्हें मिलेगा दो मिनट और शांत मोहन